फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल साइंसेस के। आज मैं लाया हूँ एनसीईआरटी 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 से। तो इसका थ्योरी मैंने पहले ही दे दी है, तो रिलेशन की थ्योरी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर ढूंढ सकते हो। पहले आप थ्योरी को देखो, देन आपको समझ में आएगी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी 12 मैथमेटिक्स की रिलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का पहला चैप्टर, सॉरी पहला क्वेश्चन है चेक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव चेक करनी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि तीन चीजें को चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। इसको चेक करने के लिए हमने कल ही बताया था कि रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है भाई। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए फॉर्मूला है ARA, बिल्कुल याद रखिए। सिमेट्रिक को चेक करने का फॉर्मूला है ARBA, और ट्रांजिटिव को चेक करने का फॉर्मूला है ARBBRCARC। ये बिल्कुल फार्मूले को रखना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ARA, सिमेट्रिक के लिए ARBCBRA, ट्रांजिटिव के लिए ARBBRCCARC। यही तीन फार्मूले हैं, रिलेशन बिल्कुल इजी लगेंगे। ये तीन फार्मूले याद रखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ARA, सिमेट्रिक ARBCBRA का मतलब हुआ ARB को सही मानने पे BRA मिलना चाहिए। ट्रांजिटिव का हुआ कि ARB और BRC दोनों को सही मानने पे ARC मिलना चाहिए। देखते हैं, मेरा कुछ सवाल है। पहले में ABCD करके पांच सवाल है। A एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक, और रिलेशन दिया हुआ है, हमने रिलेशन बताया है कि X और Y में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है X रिलेटेड टू Y, यानी कि X जो है Y रिलेशन में कैसा रिलेशन बना रहा है, तो ये बना रहा है 3x - y = 0। अब इसी को हम लोग को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले काम करा, रिफ्लेक्सिव को चेक करा। फॉर्मूला क्या बना ARA, इसका मतलब हुआ कि खुद खुद से रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखा X और Y में रिलेशन 3x - y का वैल्यू 0, यही रिलेशन बता रहे हैं। तो हमने ARA का ऐसे ही रिलेशन कहा, X की जगह पे भी A डाला, Y की जगह पे भी A डाला, तो क्या बना 3x - y था जब X और Y में रिलेशन जैसे बता रहा था, 3x - y = 0। तो क्या ARA, यानी कि इसको देखना है सेंस में, X की जगह पे A आया और Y की जगह पे A आया, यहाँ 3a - a = 0 लिखा। तो क्या 3a - 3 = 0 कभी लाइफ में पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हम लोगों ने क्या पता चला कि 3a - 3a कभी 0 नहीं होगा। ये बातें क्या है, विच इज फॉल्स, ये बातें गलत है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को चेक कर लिया नहीं। अब चलिए सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लिखा चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को चेक करने के दरमियान फार्मूला क्या अपनाया, फार्मूला अपनाया ARBCBRA होना चाहिए। ये फार्मूला बिल्कुल आप तीन फार्मूले को याद रखिए। तो अब हम लोगों ने चेक करा तो क्या मिला, चेक करा तो मिला ARB का मतलब क्या, जब X और Y में रिलेशन ऐसा है तो A और B में कैसा रिलेशन होगा, 3a - b = 0। ARB जब X और Y में रिलेशन ऐसा है तो ARB में ऐसा रिलेशन होगा 3a - b = 0। अच्छा, इससे इसको सही मानने पे इससे मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि 3b - a = 0। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस बात को सही करते हैं कि क्या गलत करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वो अपने माइंड पे सोच कर कि सही बात है कि गलत बात है। अब रहा बात की सर सोचा कैसे जाए, फार्मूले तो याद है, अब यहाँ आप पे डिपेंड करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। हम क्या बोले कि इसको फिलहाल सही मानना ही पड़ेगा, इसको सही मानने पर ये क्या सही हो रहा है। तो इसको देखते हैं, सही मानते हैं ए और बी के जगह पे ऐसा कुछ ले रहे हैं जो सेट में दिया हुआ है। कभी भी ए और बी का मान बनकर नहीं ले सकते हैं, कभी ए और बी का मान माइनस में नहीं ले सकते हैं, निगेटिव नहीं ले सकते हैं।
ए और बी का मान ओनली इस सेट से ले सकता है। तो चलिए ए और बी का मान ऐसा कुछ इसमें से लेना है ताकि इसका सॉल्यूशन जीरो बन जाए, क्योंकि मेरे को इसको इस पार्ट को सही मनवा लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अभी मानते हैं ए की जगह पे अगर 3 रखा तो 3 3 9 बन गया। अब बी के जगह पे भी हमको 9 रखना पड़ेगा, तो इस तरह से लेफ्ट वाला पार्ट तो सही हो गया, यानी कि ए और बी के ए के 3 वैल्यू पर बी के 9 वैल्यू पे लेफ्ट में सही हो जा रहा है। अब चलिए चेक करते हैं राइट साइड को कि क्या इसी मान पे इसका सॉल्यूशन जीरो आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट में तो जीरो आ गया, राइट में चेक करा तो बी के जगह पे 9 है, तो यहाँ 9 3 27 और 27 में से 3 घटा तो 0 आया, कभी नहीं आया। 27 में से 3 घटा तो 0 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ से हमको पता चला, ये सब तो हम आपको चेक करके दिखा रहे थे, हालांकि ये सब माइंड में कैलकुलेशन जरूरी है। यहाँ से इस सेट से वैल्यू रखेंगे तो ये बातें गलत होगा, विच इज फॉल्स। तो हमको यहाँ से पता चला क्या, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हुई। उसी तरह से चेक करा जाए, चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को चेक करने का फॉर्मूला ए आर बी बी आर सी से मिलना चाहिए ए आर सी। देखिए ये दोनों को सही मनवाना होगा, इसको दोनों को सही मानने पे ये चीजें सही आनी चाहिए। तो अब कैसे होगा, तो ए आर बी का मतलब क्या, तो 3a-b = 0, बी आर सी का मतलब क्या, 3b-c = 0, और इसका मतलब क्या, तो 3a-c = 0। अब ये दोनों को कैसे भी करके सही मनवा ले रहे हैं, और ये दोनों को सही मानने पर हमें ये देख रहा है कि क्या ये चीजें सही हो रहा है। ये दोनों को सही मनवाने के बाद उसमें चेक करेंगे, अगर वो चीजें सही हो जाती है तो हम बोलेंगे क्या ट्रांजिटिव है। चलिए चेक करते हैं, तो 3a-b, अब a और b के इसी सेट से कोई ऐसा मान ढूंढिए जो जीरो आ जाए। तो हमने रखा था a का वैल्यू 3, आप कुछ से भी रख सकते हैं, a का वैल्यू एक ही जगह रखते हैं क्योंकि इस सेट में एक भी है। तो a का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ 3 बना, तो b के जगह पे मेरे को रखना होगा 3, तभी तो मेरा बनेगा ना यहाँ पे 0। अच्छा यहाँ पे 3b-3=0 है और b हम खुद ऑलरेडी ले चुके हैं, b ऑलरेडी ले चुके हैं 3, तो 3 3 9 बना। तो यहाँ पे हम लोगों को c के जगह पे कितनी लेनी होगी, c के जगह पे ऑनली लेनी होगी 9। देन हम लोग बोल सकते हैं कि अब लेफ्ट वाले पार्ट तो बिल्कुल पूरा हो गया, यानी कि a के जगह पे 1, b के जगह पे 3, c के जगह पे 9 करने पे लेफ्ट के दोनों पार्ट में हम लोगों ने उसको सही कर लिया। अब इसको मैं हम राइट साइड को चेक करते हैं कि राइट साइड में क्या इसके जगह पे a और c के जगह पे रखने पे 0 आ रही है। देखिए हमेशा लेफ्ट वाले पार्ट को सही मनवाने के लिए आपको सेट से कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको राइट साइड को चेक करने के लिए इसी मान पे चेक करना होगा, चाहे इसका वैल्यू ए बी सी का वैल्यू आप कुछ से भी ले सकते हैं, बस अपने सेट में होना चाहिए। अब ए की जगह पे 1 रखा तो 3 1 3 बना, और सी के जगह पे -9 रखा, सी के जगह पे 9 रखा तो -9 हो जाएगा, तो क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगी। So, हम लोगों ने यहाँ से निष्कर्ष निकाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप खुद से भी सोच सकते हैं, कोई भी सेट सब एबीसी का क्वेश्चन वैल्यू ले सकते हैं, ए लेफ्ट वाले पार्ट को सही मनवा लेना है, देन राइट वाले को चेक करना है। तो हम लोगों ने अभी चेक करा तो यहाँ से पता चला कि ए बातें बिल्कुल गलत है, विच इज फॉल्स। सो हमने काम किया, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आप हमेशा तीनों को अलग अलग पार्ट को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को अलग चेक करेंगे, सिमेट्रिक को अलग चेक करेंगे, ट्रांजिटिव को अलग चेक करेंगे। अब तीनों में से अगर हो सकता है कि तीनों गलत हो जाए या तीनों सही हो जाए, तो तीनों अगर सही हो जाता है तो हम पहले ही नाम बोल चुके हैं कि जब तीनों सही होगा तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों अगर गलत हो जाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। मींस दैट कि हो सकता है कि दो सही हो एक गलत हो जाए, तो हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं आंसर में कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो जो होगा उसको लिख देंगे, जो नहीं होगा तो नॉट लगाकर काम कर देंगे। तो मेरा मतलब
कि यही तीन फॉर्मूले हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव जब होगा तो ए आर ए से काम करेंगे, सिमेट्रिक होगा तो ए आर बी से बी आर ए काम करेंगे, और ट्रांजिटिव होगा तो ए आर बी बी आर सी दोनों से ए आर सी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखने के लिए फुलफिल आंसर क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं इट इज, यानी कि दिस रिलेशन या इट इज, जैसे भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, दिस रिलेशन यानी कि यहां पे आप रिफ्लेक्सिव देखा तो नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव है, तो आप नाइदर और भी कर सकते हैं। दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो ऐसे करके चीजें कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं रिलेशन बिल्कुल आसान है, लोगों को भारी लगते हैं, बिल्कुल नहीं। आप चीजों को कॉन्सेप्ट को समझिए और दिन किसी भी रिलेशन को आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब तीन फार्मूला फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए आर ए, सिमेट्रिक का मतलब ए आर बी से बी आर ए, और ट्रांजिटिव का मतलब ए आर बी बी आर सी, दोनों से मिलाकर दोनों को सही मानने पे ए आर सी मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का रिलेशन है। चलिए बढ़ते हैं, पहले का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब चलते हैं फर्स्ट का बी क्वेश्चन, बी नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि बी नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बी नंबर वाले क्वेश्चन देखा, बी नंबर वाले क्वेश्चन है फर्स्ट का, सॉरी ए ए भी नहीं था, फर्स्ट रोमन अंक में 1-2 लिखा हुआ है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सेट नेचुरल नंबर का है, सेट एन का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या का सेट है, तो 1, 2, 3, 4 कहां तक, अनडिफाइंड तक, यानी कि चूंकि नेचुरल नंबर का सेट बोला तो हम लोग क्या उसको लिखा, हम लोगों ने नेचुरल को तो जानते ही हैं 1 से लेकर 2, 3 ऐसे अनंत तक होती है, तो इसका सेट में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, बस अब इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब दूसरा में हमको रिलेशन दे चुका है, वो रिलेशन ऐसे है एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स का वैल्यू लेस देन 4। ए सवाल दी गई है, हमको इसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है, सॉल्व मतलब क्या, चेक करो। चलिए चेक करते हैं, हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूशन करते वक्त जो भी बातें दी हुई है, यानी कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये तो सेट है, सेट को हम लोग चेक करने में यूज कर सकते हैं, इसलिए सेट दिया हुआ है, तो सेट को लेकर कोई परेशानी नहीं है हमें। एक्स और वाई में जो रिलेशन, यानी कि यहाँ जो रिलेशन है एक्स और वाई में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो वाई बराबर एक्स प्लस फाइव का रिलेशन है, और एक्स के लिए एक कंडीशन है, एक्स का वैल्यू हमेशा 4 से छोटा लेना है। तो 4 से छोटा एक्स का वैल्यू क्या क्या लेना है, तो सेम थिंग्स। अब कोई बोलेगा कि सर एक्स का वैल्यू 4 से छोटा तो -1 भी होता है, 0 भी होता है, तो दोस्त सेट में तो नहीं आ रहा। आप चीजों को देखिए, नेचुरल का सेट है तो हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यहां तो पता चल गया कि ये रिलेशन जो है एक्स और वाई रिलेशन दिया हुआ है, हम लोगों ने सॉल्व करा, पहले चेक करा रिफ्लेक्सिव को चेक करा, फार्मूला बताइए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एकदम रट जाना है ए आर ए, खुद खुद का रिलेशन, यहाँ एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है क्या भाई, तो इसी को तो लिख सकते हैं ना, आर को अगर बीच में डालेंगे तो एक्स रिलेशन वाई दिया हुआ है, इसका मतलब तो ए है, और इसका वैल्यू इतना दिया है वाई बराबर एक्स प्लस फाइव, उस तरह से ए आर ए का मतलब क्या होगा, ए आर ए का मतलब होगा ए बराबर ए प्लस फाइव, और साथ ही साथ एक्स लेस देन 4, तो यहां एक्स के जगह पे तो ए है, यानी कि ए का वैल्यू 4 से छोटा। अब खुद बताओ कि ए कभी भी बराबर हो गया क्या, ए प्लस फाइव कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए है, एक आदमी के पास ए रुपया है और एक आदमी के पास ए से और 5 रुपया ज्यादा है, तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ए ए रहता तो बराबर हो सकता था, लेकिन इस आदमी के पास तो और इससे 5 रुपया ज्यादा है और फिर भी बराबर बोल रहा है, जो कि नेचर में अनवैलिड है, गलत है। सो ये बातें हुई
False. Which is false? तो ये क्या, जब गलती हो गई तो इसलिए it is not reflexive. ये reflexive नहीं होंगी. हमेशा चेक करना है जो रूल्स है, जो नियम है, उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, देन हम लोग काम करते चलेंगे. तो रिफ्लेक्सिव को चेक करा, नॉट रिफ्लेक्सिव. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को चेक करते हैं. चेक करना है सिमेट्रिक, क्योंकि सवाल ये बोल रहा था हमें पहला नंबर कि जितने भी पहला के ए बी सी डी या 1 2 3 सवाल है उसको आप चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो सिमेट्रिक को चेक करने के लिए फार्मूला फिर से आया, ए आर बी से बी आर ए. अब ए आर बी का मीनिंग क्या, यहाँ एक्स और वाई में रिलेशन ऐसा बता रहा है, तो आप ए और बी में रिलेशन कैसे बनाएंगे. तो एक्स के जगह पे ए है, वाई के जगह पे बी है, तो यहाँ पे हम पहले वाई लिखा है, इसका मतलब पहले आपको बी लिखना पड़ेगा. बी बराबर एक्स प्लस फाइव का मतलब हुआ ए प्लस फाइव, और यहाँ एक्स का वैल्यू चार छोटा लेना है, तो यहाँ मैंने ए का वैल्यू चार से छोटा ले लिया, और इससे रिजल्ट मिलना चाहिए बी आर ए का मतलब हुआ ए बराबर बी प्लस फाइव, यहाँ पे बी का वैल्यू चार से छोटा लेना है. तो जैसा रिलेशन बोलेगा आप वैसा पुट कर देंगे. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को देख कर क्या रिजल्ट निकालते हैं, ट्रू निकालते हैं कि फॉल्स निकालते हैं. अगर आपने ट्रू को फॉल्स करा तो काम गड़बड़ होगा, इसलिए हमेशा अच्छा से दिमाग लगाकर काम करना है. पहले बात कि ये कैसे भी इसको हम लोगों को सही मनवाना है, तो सही मनवाने के लिए आप हमेशा सेट से बी और ए का मान वही चीजें पुट करा जो सेट में दी हुई है. तो बी बराबर ए प्लस फाइव के जगह पे कोई बोला कि सर ए का जगह पे पांच ले लिया जाए तो पांच पांच बी का वैल्यू दस हो जाएगा, हम बोलेंगे बेटी गलत है. तो बोला सर क्यों गलत है, आपने तो बोला कि ए और बी का मान वही चीजें लेनी है जो सेट में दी हुई है. ए का वैल्यू पांच भी सेट में आएगी, दस भी आएगी, क्योंकि नेचुरल का सेट है. हमने बोला सही है, लेकिन एक गलती है क्योंकि आपने इसको नहीं देखा. ये बोल रहे हैं क्या कि ए का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन चार से छोटा लेना है, आपने ले लिया पांच, ये गलती है. यानी कि ए का वैल्यू आप इसको सही करने के लिए भी कितना ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार नहीं ले सकते हैं क्योंकि चार से छोटा बोल रहा है. तो हमको इसको सही मनवाने के लिए ए का वैल्यू तीन भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, ले लिया. तो b के जगह पे कितना होगा, तो दो ये बातें सही हो जाएगी. तो a के जगह पे तीन रखा तो पांच और तीन आठ हुआ, तो b के जगह पे आठ रखने पे LHS की जो पार्ट है वो सही हो जाएगी. अब हमको ये चेक करना है कि LHS को सही मान हमने तो मनवा लिया सही, अब ये वैल्यू अगर राइट साइड में पुट करने पे क्या मेरे को सही रिजल्ट आ रही है, सही बात हो रही है, चेक करते हैं. a का वैल्यू कितना रखा, तीन. b का वैल्यू कहां रखा, आठ प्लस पांच. दोस्त बहुत बढ़िया सवाल है, ये बातें यहाँ पे ऐसी आ गई. पहली बात तो ये दोनों अनइक्वल है, दूसरी गलती यहाँ b की जगह पे चार से छोटी होनी चाहिए, और मेरी यहाँ जो रिजल्ट आई थी वो दोस्त आठ आई थी जो चार से ज्यादा हो रही थी. तो यहाँ दो दो गलती पाई गई. पहला तो अगर मान लेते हैं कि अगर आठ भी रख रहे हैं तो इसके तेरह तो तीन के बराबर नहीं होता, यहाँ बराबर दिखा रहा है एक गलती. दूसरी गलती कि जो यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है यहाँ b का वैल्यू चार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही रिलेशन में बता रहा था कि जो पहले आएंगे रिलेशन में x वो चार से छोटी होगी. तो यहाँ से पता चला कि LHS को सही मानने पे RHS की रिजल्ट गलत नजर आ रही है, गलत हो रही है. तो यहाँ पे लिखा विच इज फॉल्स, ये बात गलत है. So it is not symmetric. Symmetric हो गई. उसी तरह से अब चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चीजों को ध्यान से समझिए. लोग बोलते हैं रिलेशन तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते हैं, कैसे चेक होती है समझ नहीं आती है. एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आप समझो, चीजों को ध्यान से देखो कि हम बोल क्या रहे हैं और करनी क्या होती है, कैसे ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं. तो चलिए देखते हैं चेक ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे वो बातें.
ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए बिल्कुल फार्मूले बोलेंगे ए आर बी और साथ साथ बी आर सी दोनों को सही मानने पे हमें ए आर सी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सही बात, नहीं तो फिर गलत बात। चलिए ए आर बी को का मतलब क्या, जैसे यहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन वाई बराबर एक्स प्लस फाइव का है, वाई बराबर एक्स प्लस फाइव का है, तो ए आर बी में कैसा रिलेशन होगा, जो चीजें बाद में आएंगी वो चीजें बराबर के पहले लिखना है, तो ए आर बी में लास्ट में बी आ रहा है तो बी को मैंने लिखा पहले और ए को लिखा बाद में। और वही नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू रखना है एक्स का वैल्यू चार से छोटा रखना है, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे ए है और ए का वैल्यू चार से छोटा। एंड बी आर सी का मतलब क्या, तो बी आर सी का भी इसी से रिलेशन लिखना है, तो आपको मिलेगा सी बराबर बी प्लस फाइव, जहां बी का वैल्यू चार से छोटा होना चाहिए। यहां तक कर लिया, और इससे रिलेशन मिलना चाहिए ए आर सी का मतलब सी बराबर ए प्लस सी और ए का वैल्यू चार से छोटा। अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या इससे ए दोनों को सही मानने पे ये रिजल्ट क्या हो रही है, सही हो रही है कि गलत हो रही है। पहली बात है कि हम लोगों को कहां से कहां तक सेट में लेना है, ये बातें समझ में आ गई। अगर ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिया होता, ये बॉन्डिंग नहीं दिया होता, तो हम लोग कहीं भी बी और ए का वैल्यू ले सकते थे सेट का। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, बी बराबर ए प्लस फाइव, तो ए की जगह पे हम लोग वन ले सकते हैं क्योंकि चार से छोटा है, तो वन रखेंगे तो इसको सही मानने के लिए बी का वैल्यू छह लेना पड़ेगा, तो ये चीजें सही हो गई। अब बी का वैल्यू यहाँ पे छह रख ही नहीं सकते हैं, कारण क्या है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड है, अब मैथ से खेलो, डरो नहीं, मैथ से आप खेलोगे ना तो इंटरेस्ट जगेगी, और इंटरेस्ट जब जिसमें जग गई तो दुनिया का कोई भी काम आपसे नहीं छूटेगा जो आप नहीं कर सकते थे। आप वो काम सब कर सकते हो, बस उसमें इंटरेस्ट जगनी चाहिए। तो आप चीजों को देखो ना, लेफ्ट वाले में तो दोनों को मेरे को सही मनवानी थी, इसको तो सही कर दिया किसी तरीके से, अब इसको सही हम लोग बी की जगह पे तो छह भी पुट करना पड़ेंगे ना दोस्त, क्यों, क्योंकि ये मेरी आई है। अब बी की जगह पे हम और कुछ रखेंगे तो ये काम गड़बड़ हो जाएगी, तो बी की जगह पे छह अब रखना ही होगा, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि बी के जगह पे आप छह नहीं रख सकते हैं। कारण क्या है कि चार से छोटा रखना है, तो आप चीजों को समझिए, इसको सही कर लिए, मेरी उतनी औकात नहीं इसको सही करने की, ये चीजें कैसे सही हो सकती है। इट मीन्स कि ये चीजें सही है, ये चीजें हुई भी रहा है तो ये चीजें आने का पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसको मैंने सही कर लिया, इसको नाक में दम भी कर लेंगे तो सही नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें कैसे सही हो सकता है, कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहां से करा ये बातें क्या है, गलत है, विच इज फॉल्स सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। यहां से आपने देखा, फिर से चीजों को देखिए, तो ये न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है, यानी कि यहां से तीनों बातें नहीं है, न ही रिफ्लेक्सिव, न ही सिमेट्रिक और न ही ट्रांजिटिव, तो तीनों बातें नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आंसर क्या हुआ, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक और नोर ट्रांजिटिव, वो बातें तो अंत में लिखा जाता है तीनों को चेक करने के बाद। तो चीजें आसान है, बशर्ते आप मैथ्स है तो ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल होता है लॉजिकल होता है, तो आप चीजों को ध्यान पूर्वक समझिए, उसको ट्राई कीजिए, चीजें हार्ड नहीं लगेंगी। चलिए बढ़ते हैं पहले के दूसरा सवाल के बाद तीसरा सवाल पे, फर्स्ट का थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि हमें भी तीसरा में भी पहले की तीसरा में क्वेश्चन बोल रहा है, पहले का थर्ड में यहाँ पे ए दिया हुआ है, सेट ए, सेट ए का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो सेट ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 6 3 4 5 and 6 यानी कि 6 तक दी हुई है, और हमें रिलेशन जो चेक करनी है वो रिलेशन चेक करनी है ऐसे, एक्स वाई पर दिया हुआ है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, एक चीजें हैं वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, हमको चेक करना है सेट ए तो दी हुई है
और रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई में, तो एक्स वाई में रिलेशन का मतलब हुआ कि एक्स आर वाई, एक्स आर वाई में रिलेशन ऐसा बता रहा है कि वाई जो है एक्स से पूरी पूरी कट रही है, वाई जो है डिविजिबल है एक्स से। चलिए फिर से देखते हैं, रिफ्लेक्शन को चेक करना होगा तो वही फार्मूला ए आर ए, और यहाँ ए आर ए का मतलब बता रहा है कि ए इज डिविजिबल बाई ए, जब x r y का मतलब इतना, तो a r a का मतलब कितना, a is divisible by a, right? अब आप खुद समझिए कि ये बात सही है कि गलत है, क्या a से a को a से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, रिजल्ट आएगी वन, यानी कि एक मरतबा में कट जाएगा, a जो है एक से भाग हो जाती है, इसलिए विच इज ट्रू, यानी कि ए आर ए खुद खुद में भाग लगता है, तो जी हाँ, पांच पांच से कट जाती है, छह छह से कटती है, दो दो से कटती है, तीन तीन से कटती है, चार चार से कटती है, इस तरीके से ए जो है डिविजिबल हो जा रही है ए से, तो विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जा रही है। नेक्स्ट करते हैं सिमेट्री को चेक करने के लिए ए आर बी से बी आर ए, यहां पर देखते हैं कि ए आर बी का मतलब क्या, A इज डिविजिबल बाई B, जैसे सॉरी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ x y था ना, बाद में जो आ रहा था उसको पहले लिखना है, तो यहाँ A आर B है, बाद में B आ रहा है, तो B इज डिविजिबल बाई A, यानी कि B को A से भाग देना है, और इससे क्या रिजल्ट निकल सकता है A और B। तो चलिए अब B और A को मैंने को चेक करना है कि B और A का वैल्यू इस सेट से क्या लिया जाए, तो B का वैल्यू छह ले सकते हैं और ए का वैल्यू तीन ले सकते हैं, तभी तो कटेगा, पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन क्या, क्योंकि यहाँ पे वही सेट से लेनी है जो पूरी पूरी डिविजिबल है, बी का वैल्यू सिक्स लिया, थ्री ले सकते हैं आप, टू भी ले सकते हैं, पूरी पूरी कट रहेगी, अब इसी को ए बाई बी करेंगे तो क्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी, क्या कभी नहीं होगी, वन बाई कुछ बचेगी जो कि पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो सेम थिंग्स ये बातें हुआ गलत, which is false, चाहे तो इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मतलब कि a b is divisible by a से a is divisible by b, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम इसी तरह लिख लिए हैं, तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चीजों को मेन चीजों को समझिए, which is false हुआ तो so it is not transitive, या सॉरी not so it is नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक नहीं हुई। नेक्स्ट अगर चेक करते हैं ट्रांजिटिव को, तो ए आर बी बी आर सी और से ए आर सी मिलनी चाहिए, तो यहाँ ए आर बी का मतलब है कि बी ए से पूरी पूरी कट रही है, बी आर सी का मतलब है सी जो है बी से पूरी पूरी कट रही है, तो क्या सी जो है ए से पूरी पूरी कट पाएगी, इसको चेक करना है, ये दोनों को मेरे को सही मनवाना है, सही मनवाने के लिए सेट से चला कितना ही रख सकते हैं, बी के कितना रखा, बी का वैल्यू और थ्री रखा, ए का वैल्यू वन रखा, क्या कटेगा, क्या एकदम कटेगा, अब सी के जगह पे सिक्स रखा, देखिए जरा इतना वैल्यू अपने तरफ से रखा ताकि लेफ्ट वाले सही हो जाए, तो बी बाई ए का मतलब हुआ कि थ्री बाई वन तो सही हो जा रहा है, कट जा रहा है, सी बाई बी का मतलब हुआ कि सिक्स बाई थ्री ये भी कट जा रहा है, तो क्या सी बाई ए कट रहा है, सी का वैल्यू सिक्स है और बाई वन है, ये पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को सही मानने पे तीसरा चीज राइट साइड वाला चीज सही हो जा रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, सो इट इज ट्रांजिटिव, तो पूरे रिजल्ट में आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि गलत हो गया था, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो लास्ट में आप लैंग्वेज को चेक करने के बाद देख सकते हैं कि कैसे चीजें आ गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड का वन का फोर, पहले का चौथा सवाल में, पहले का चौथा है सेट जेड है,
सर जेड का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब जानते ही होंगे 1, 2, 3, 4 और माइनस में 1, 2, 3, 4 और जीरो को लेकर इसका मतलब सेट बनेगा डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक, बाद में भी और पहले भी। ये सेट जेड का सेट होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है। और इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई रिलेशन दिया है, एक्स वाई में कैसा रिलेशन है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर ऐसे दिया हुआ है। अब इसको मेरे को चेक करना है, यहां पे देखिए रिलेशन जो बताया है एक्स वाई में रिलेशन बताया है, यानी इसके बीच में x रिलेशन y जो दिया हुआ है x माइनस वाई इज एन इंटीजर दिया है, यानी कि x और y में जो रिलेशन बताया है वो कैसे बताया है, तो x माइनस वाई को इंटीजर बोला है। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव जब भी चेक करेंगे तो ए आर ए फॉर्मूला है, और ए आर ए का मतलब क्या, ए आर ए का मतलब a माइनस ए इज एन इंटीजर, और a में से a घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो इज एन इंटीजर है क्या, तो जीरो एन इंटीजर है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए ए आर बी से बी आर ए जरूरी है, तो ए आर बी का मतलब क्या हुआ, तो a माइनस बी इज एन इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस a इज एन इंटीजर। अब चीजों को समझना है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर को तो सही मनवाना है, इसको सही मनवाने के बाद इसको चेक करना है कि क्या ये चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो a माइनस बी इज एन इंटीजर, अब a माइनस बी इज एन इंटीजर को चेक करने के लिए a और b का वैल्यू हम लोगों ने सेट से रखा, और सेट से क्या क्या रख सकते हैं, तो सेट से रख सकते हैं जो सेट में दी हुई है। तो अब इसको इंटीजर करवाना है तो a का वैल्यू 5 ले लिया और b की जगह पे 3 ले लिया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो लेफ्ट वाले को तो सही कर लिया, अब राइट वाले को देखते हैं, पहले b रखना है तो b की जगह पे 3 रखा और माइनस करना है 5, तो 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा, और -2 एक इंटीजर होता है क्या, तो -2 एक इंटीजर होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसको सही मानने पे ये चीजें सही हो जा रही है। इट मीन्स ये बातें हुई कि ये बातें विच इज ट्रू, ये सही है, सो इट इज सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक भी हो गई। हम हमेशा बोल रहे ना कि लेट वाले चीजों को चेक कीजिए और सेट से वैल्यू रख के, और देन चेक कीजिए कि राइट वाली आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए यही फार्मूला है, ए आर बी बी आर सी से ए आर सी मिलनी चाहिए। ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब हुआ ए माइनस बी इज इंटीजर, इज जेड का मतलब शॉर्ट में लिख दिए हैं। जब भी आप एग्जाम हॉल में लिखे या फिर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को जो रिलेशन दी हुई रहेगी उसको आप लैंग्वेज में जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें थ्योरेटिकल है और उतना रूल्स पे नहीं, मतलब कि फार्मुलेटिक नहीं है, बसर्ते इसमें लिखने का हैंडराइटिंग देखा जाता है कि आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखे तो ज़्यादा बेटर है। हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि a माइनस बी इज जेड का मतलब इंटीजर, इसका मतलब b माइनस सी इज जेड का मतलब b माइनस सी इज एन इंटीजर से क्या मिल सकता है, a माइनस सी इज इंटीजर चेक करते हैं। अब a माइनस बी इज इंटीजर करना है तो a की जगह पे क्या क्या रखा, a की जगह पे 5 रखा, b की जगह पे 3 रखा, 5 में से 3 गया तो इंटीजर हो गया। अब इसको सही करने के लिए b की जगह पे 3 है और c की जगह पे तो 0 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 स्टेट में है भी, और b माइनस c अगर घटाएंगे तो इंटीजर भी आ जा रहा है, यानी कि a दोनों तो सही हो गया a b c के मान पे। अब इसी मान पे राइट साइड को चेक करते हैं, a में से c को अगर घटाएंगे तो क्या इंटीजर मिल रहा है, तो 5 में से अगर c को a में से c को मतलब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 मिलेगा और 5 की इंटीजर हो जाता है, तो a भी सही हो गया, यानी कि a दोनों को सही मानने पे राइट वाला साइड सही हो जा रहा है, तो which is true so it is
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। तो यहाँ चीजें आप देखिए कैसे नजर आ रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोगों ने पहले थ्योरी में पढ़ा था, और जिसको थ्योरी समझ नहीं आएगी सवाल में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, इसका फुल गारंटी है। इसलिए आप सवाल को सोल्यूशन से पहले इस डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 करके लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देख पाएंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर तीनों बातें सही हो सकती है तो हम लोग उसका नाम इक्विवेलेंस रिलेशन दे सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस है क्यों है, क्योंकि रिलैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से टोटल पहला में 5 सवाल थे, हमने 4 कुछ डिस्कस किया। अब चलिए बढ़ते हैं पहला का ही पांचवा में। अब एबीसीडी करके फिर से 5 क्वेश्चन मिल रहा है, और उसी सेम पांचों क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे, पांचों क्वेश्चन है, 4 जो क्वेश्चन सॉल्व किए, रिफ्लेक्सिव को चेक करना है, सिमेट्रिक को चेक करना है और ट्रांजिटिव को चेक करना है। सेम चीज पांचवा के ए में भी काम करना है। एक्स और वाई में रिलेशन दिया है, गिवन मेरे को है कि एक्स और वाई में रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो एक्स एंड वाई वर्क एंड सेम पैलेस, यानी कि एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो वही तीनों फार्मूला, चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए आर ए। अब एक्स आर वाई का मतलब दिस, तो ए आर ए का मतलब क्या, ए आर ए का मतलब हुआ ए एंड ए वर्क एट द सेम पैलेस, यानी कि ए और ए वर्क एट द सेम पैलेस। अब आप खुद समझिए कि ये लैंग्वेज सही है, नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो आप खुद से भी अपने माइंड से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ए एंड ए वर्क एंड सेम पैलेस का मतलब ये हुआ कि राम एंड राम, राम और राम हो सकता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों का नाम राम है। हम लोग तो नेचर में ऐसे बोलते हैं कि राम और श्याम एक ही जगह पे काम करते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राम और राम एक ही जगह पे काम करते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोनों का नाम सेम हो जाए। तो इसलिए ये बातें ट्रू है, तो विच इज ट्रू, ये सही है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम चीज चेक करनी है कि हमको चेक करना है चेक सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए फार्मूला क्या था, ए आर बी से, ए आर बी से बी आर ए, ए आर बी से बी आर ए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक का फार्मूला। अब ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब हुआ ए एंड बी वर्क एट द सेम पैलेस, सेम पैलेस। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी एंड ए वर्क एट द सेम पैलेस, सेम पैलेस। इस केस में हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट वाले को सही मानवाना पड़ता है और राइट वाले को देखना पड़ता है कि देन राइट वाला, अगर लेफ्ट वाले को सही अगर मान लेते हैं तो राइट वाला सही होता है कि गलत होता है। तो आप खुद मानेंगे कि अगर मान लीजिए कि ए और बी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी और ए एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ए का नाम पहले ले चाहे बी का नाम पहले ले, बात तो बराबर है। तो इसलिए ये कंक्लूजन ट्रू होता है, विच इज ट्रू, ये सत्य है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करना है ट्रांजिटिव को, तो ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए ट्रांस लिख रहे हैं, और आप लिख सकते हैं, मैं जैसे रिफ्लेक्सिव को रेफ लिख रहा हूँ, आर ई एफ, सिमेट्रिक को सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन चीजों को आप पूरा फुलफिल लिखेंगे तो चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक कैसे करेंगे, तो फार्मूला वही ए आर बी बी आर सी से होना चाहिए ए आर सी। ए आर बी का मतलब क्या, ए एंड बी वर्क एट सेम पैलेस,
सेम पैलेस बी आर सी का मतलब क्या, बी एंड सी वर्क एट सेम पैलेस, सेम पैलेस, और ए आर सी का मतलब हुआ ए एंड सी वर्क एट सेम पैलेस। अब कुछ समझेंगे कि हमको लेफ्ट वाले को सही मानना पड़ता है, हम मान रहे हैं कि ए और बी एक ही जगह पे काम कर रहा है, बी और सी एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो क्या ए और सी एक ही जगह पे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आप समझो ना कि मेरे पास तीन बच्चे हैं, तीन स्टूडेंट हैं, ए और बी दोनों मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, बी और सी दोनों मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए भी पढ़ता है मेरे ही कोचिंग में, बी भी पढ़ता है मेरे ही कोचिंग में, और सी भी साथ साथ मेरे ही कोचिंग में पढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी तो साथ साथ पढ़ ही रहा ना मेरे कोचिंग में, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों को सही मानने पे राइट वाला सही हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हिच इज ट्रू, ये सही है। सो इट इज ट्रांजिटिव। हम चीजों को आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हो तो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। यहाँ आंसर लिखते हैं, आंसर क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों है, या फिर आप बोल सकते हैं कि तीनों का नाम इक्विवेलेंस है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपका इसका दो आंसर कर सकते हैं, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं, या फिर This relation is reflexive, symmetric and transitive हो सकता है। तो जो जैसी इच्छा है आप वैसे काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वर्डन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहला का पांचवा का बी नंबर सवाल, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बी नंबर है आर बराबर एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब इसका नहीं समझना, अब हमको ये सवाल आ गया, इस लैंग्वेज को चेक करना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक्स और वाई में कैसा रिलेशन दिया है भाई, तो एक्स और वाई में रिलेशन दिया है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स और वाई सेम लोकेशन में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही लोकेशन में यानी कि सेम लोकेशन में रहते हैं, और हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों, सॉरी ये रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स और वाई में, जो रिलेशन दिया है कि एक्स और वाई एक ही लोकेशन में रहते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ए आर ए चेक करेंगे रिफ्लेक्स के लिए, तो क्या मिलेगा, ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब ये बात सही की गलत, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि राम और श्याम एक ही लोकेशन में रहते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि राम और राम रहते हैं एक ही लोकेशन में, बिल्कुल बोल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों का नाम अलग अलग हो, सही सेम ही हो, तो इस वजह से ये हो जाएगा ट्रू, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। देर अगर सिमेट्री को चेक करेंगे तो ए एंड बी एक ही लोकेशन में रहता है, तो बी एंड ए भी तो सेम ही लोकेशन में रहेगा। तो सिर्फ लैंग्वेज को आपको लिखना है, हम हमेशा बोल रहे हैं कि लैंग्वेज को आप जितना अच्छे से लिख पाएंगे उतना अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इसका मतलब हुआ ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब हुआ बी आर ए का मतलब बी एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये भी बात सही कि ए और बी एक ही लोकेशन में रहते हैं, या फिर हम इसको सही मानते हुए तो हम बोल सकते हैं कि बी और ए एक ही लोकेशन में रहते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नंबर तीन जो तो आंसर लिखे हुए थे उसको थोड़ा सा पीछे देख लेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिटिव को, तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए फार्मूला क्या था, ए आर बी बी आर सी को सही मानने पे ए आर सी रिजल्ट होने चाहिए।
ए एंड बी का मतलब क्या, ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी। दो हम अगर आप देख पा रहे होंगे पहला का पांचवा का ए और बी क्वेश्चन, वहां लिव एक ही जगह पे रहते थे और यहाँ का एक ही लोकेशन में रहते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी और इसका मतलब हुआ बी एंड सी लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। तो इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं ए एंड सी लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे वहां था सवाल में कि ए और बी एक ही जगह पे काम करते हैं, यहाँ था कि ए और बी एक ही जगह पे रहते हैं, एक्स एंड वाई एक ही जगह एक ही लोकेशन में रहते हैं मौजूद हैं। तो ऐसे सवालों में आप बेझिझक आप लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि यह बातें नेचर में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, इस बेसिस पे आप ट्रू है कि फॉल्स है आप इसको लिखेंगे। अगर ट्रू होगी तो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक अल्टरनेटिव होगी, अगर फॉल्स होगी तो ये चीजें नहीं होंगी। तो आप यहाँ से फिर से देख रहे हैं रिजल्ट, पांचवा का बी नंबर क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव भी हो गई है, सिमेट्रिक भी हो गई है, ट्रांजिटिव भी होगी। तो आप इसका दो आंसर कर सकते हैं, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों बोल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आंसर को कैसे लिखेंगे। फिर फिलहाल चलते हैं पांचवा का नंबर सी क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन में रिलेशन का वैल्यू दिया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई। अब इसका बहुत बढ़िया कंक्लूजन समझना है कि x और y में कैसा रिलेशन दिया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है। दोनों में रिलेशन x और y में रिलेशन बताया कि x फिक्स है 7 सेंटीमीटर लेकिन y से लंबा है, तो y से अगर लंबा है मान लेते हैं ये y है और ये तो कंफर्म है कि y से जब बड़ा है टॉलर है तो ये बड़ा ही होगा, लेकिन बड़ा में कितना एकदम इसका लंबाई है तो एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर, भले ही बड़ा है तो 8 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि सवाल हो चुका है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो y वाली से ये बड़ी है तो y वाली की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकती है। इसलिए क्योंकि हो चुका है कि y से लंबा है x और x है कितना, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है, तो y कितनी कितनी होगी क्योंकि y से बड़ी है, तो y से बड़ी है तो इसका वैल्यू 7 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। चलिए बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव को चेक करना है। तो पहले इस रिलेशन में x और y में ऐसा रिलेशन बता रहा था, तो a और a में कैसा रिलेशन होगा, a और a में जो रिलेशन होगा वो ऐसे होगा a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सॉरी a, a, क्योंकि a और a में रिलेशन यहां लिख ली थी। अब बहुत बढ़िया ये है कि आप ये लैंग्वेज को आप कैसे समझ पाते हैं, क्योंकि रिलेशन फंक्शन लोगों को इसीलिए हार्ड लगती है कि वो चीजों को लैंग्वेज को अच्छी तरीके से उसकी मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो फार्मूला है, उसके बाद बैठा भी लेते हैं स्टूडेंट, बच्चे बैठा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि सर ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप चीजों को देखो ना, ए का वैल्यू जब 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होगी, सपोज जाए ए की वैल्यू एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ए मेरी ए है और ए की लंबाई बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है, तो क्या ए से बड़ी होगी, टॉलर होगी, नहीं ना, क्योंकि ए फिक्स है 7 सेंटीमीटर और फिर ए से कैसे बड़ी हो सकती है, यानी कि फिक्स है उन दोनों का बराबर का मान होगा ना, इट मींस व्हिच इज ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, और जब फॉल्स हो गया तो यहां लगा देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए चेक करते हैं कि
भी सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए तो सेम फार्मूला ए आर बी से बी आर एम होने चाहिए। अब ए एंड बी, ए और बी में कैसा रिलेशन है, ए और बी में यहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन ऐसा है, इसको बोल सकते हैं ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, यानी ए की लंबाई एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर है और बी से लंबा है, इसका मतलब इस रिलेशन का मतलब ये हुआ। लेकिन बी आर ए का मतलब क्या हुआ, बी आर ए का मतलब हुआ बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। अब इसको तो हमको हर हाल में सही मानना है, अब इसको सही मानने के बाद इसको देखना है कि ये चीज सही हो रही है कि गलत हो रही है। चलिए चेक कर रहे हैं, सपोज करें क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली इसको चेक करनी है। मान लेते हैं कि ए की लंबाई बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है और इस बी से लंबी है, ए की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और आपके सामने ये दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं बी और इसको बोल रहे हैं ए। ए की लंबाई 7 सेंटीमीटर है जो बी से बड़ी है, बिल्कुल ये तो सही मानवा ली, सही है नहीं, तो क्या बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, इसको सही मानने पर क्या बी कभी बाद में 7 सेंटीमीटर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पहले तो इसकी लंबाई फिक्स है ना, और फिर बाद में इसको अगर सही मान रहे तो ये चीजें होना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी तो छोटी है ना इस वाले केस में, पहले वाले केस में, इसलिए विच इज ट्रू नहीं होगी वो ऑल्सो भी, और इसीलिए बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक भी नहीं होगी, नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं तो ए आर बी का मतलब और बी आर सी का मतलब यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सवाल दूसरा है। ए आर बी का मतलब क्या होगा, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, और बी आर सी का मतलब क्या, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ए आर बी का मतलब हुआ, बी आर सी का मतलब हुआ बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, और इससे जो रिजल्ट निकलने वाला है ए आर सी, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। अब इसको थोड़ा सा एक नजर देखिए, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, हमको तो इसको भी सही मानना है, इसको भी सही मानना है, दो चीजों को सही मानने के बाद तीसरा को चेक करना है कि ये रिजल्ट सही निकल रही है या गलत निकल रही है। तो चलिए चेक करते हैं, ए की लंबाई एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर है जैसा कि पिछले बार में कर रहे थे 7 सेंटीमीटर, बी से लंबा भी है, ये बात तो पहले वाले सही हो गई, ए आर बी को सही मनवा लिए, बी वाले केस में तो इसी का सेकंड है बी इज एग्जैक्टली 7। अब मान लेते हैं कि बी अगर एग्जैक्टली 7 हो जाएगा तो नेट तो बाबा ही तुम्हें सही कर पा रहे एक्चुअली, क्योंकि ए इज एग्जैक्टली 7 बी से बड़ा है, टॉलर है, यहां तो सही है। अब हमको बी को साफ करना है क्योंकि नेट में ही तो दो केस है, इस केस को सही मनवा रहे हैं तो ये केस पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस बी को अगर साथ बढ़ाएंगे तो ए दोनों में पहले वाला में तो ए और बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाला को कभी लाइफ में सही मनवा नहीं सकते हैं, तो रिजल्ट कैसे सही हो सकती है, तो ये समझ सकते हैं कि अगर पहले वाला ही सही नहीं हो रहा है तो बाद वाला को तो बात की बात है, वो तो सही होने का संभावना भी नहीं है, इसलिए विच इज फॉल्स, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि आंसर में दो आप हमेशा आंसर अंत में लिखिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस भी डाल सकते हैं, सॉरी नॉट भी डालेंगे, नॉट का मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंस नहीं है का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तीनों नहीं है, अगर दो रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगी ट्रांजिटिव नहीं होगी तो भी नहीं होगी,
इक्विवेलेंस नहीं होगी, ऐसा कोई जरूर नहीं है, इसलिए नोट यहाँ लगाएंगे। नोट इक्विवेलेंस का मतलब हुआ इक्विवेलेंस नहीं। अब इक्विवेलेंस कब कब नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो वहां भी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस नहीं का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तीनों नहीं हो, अगर एक भी काम कोई सा भी काम रबड़ होगा इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि आंसर मेन आंसर करते वक्त यानी कि इसको चेक करने के बाद अंदर में लिखेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, यानी कि नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर डी, कैसा रिलेशन है, कैसा क्वेश्चन है, सॉरी डी वाले क्वेश्चन है। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसको चेक करनी है कि क्या रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी। चलिए चेक करते हैं। तो यहां x और y में कैसा रिलेशन दिखा रहा है, x इज y ऑफ x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि x जो है y की पत्नी है, ऐसा रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में चेक करते वक्त a r a का काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि a इज वाइफ ऑफ a, a इज वाइफ ऑफ a। अब कोई खुद खुद की पत्नी हो सकती है क्या, कभी नहीं। तो विच इज फॉल्स और नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी सिमेट्रिक अगर चेक करेंगे तो ए आर बी का मतलब क्या लिखेंगे, ए और बी में कैसा रिलेशन, तो इसको लिखेंगे एक्स वाई का मतलब इतना, तो ए आर बी का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, और इससे अगर रिजल्ट निकालेंगे तो इसका मतलब होगा बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ए। लेफ्ट वाले को सही मान लेना है, मान लिया कि ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, इसको अगर सही मान लिए हैं तो क्या इससे कंक्लूजन निष्कर्ष निकल सकता है कि बी ए की पत्नी हो जाएगी, नहीं ना, वो तो हस्बैंड हो जाएंगे ना, इसलिए ए चीजें भी फॉल्स है और इट इज नॉट सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक नहीं होगी। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, तो जिसकी जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसका वैल्यू पुट करेंगे। ए आर बी का मतलब क्या बताया, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है, तो ए आर बी को चेक करने के लिए ए इज वाइफ ऑफ, ए इज वाइफ ऑफ बी, और इसका मतलब हुआ बी इज वाइफ ऑफ सी, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ए इज वाइफ ऑफ सी, यानी कि ए जो है बी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमको तो लेफ्ट वालों को सही मनवाना है, और कभी आप लाइफ में दोनों को सही नहीं मनवा सकते हैं, जबरदस्ती भी नहीं मनवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी की पत्नी है तो बी खुद हस्बैंड है, और फिर बी जो वाइफ ऑफ सी, फिर बी जो है सी की पत्नी कैसे हो सकता है, क्योंकि इस केस में तो बी क्या है, बी हस्बैंड है, तो यहाँ कैसे फिगर हो सकता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि इसको सही मनवा सकते हैं लेकिन दोनों को कभी नहीं मनवा सकते हैं सही। तो जब लेफ्ट वाले की कोई सही नहीं मनवा सकते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि राइट वाला सही हो जाएगी, कभी नहीं। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो बातें हैं विच इज फॉल्स, ये गलत है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आप देख पा रहे होंगे कि पांचवा का जो डी नंबर क्वेश्चन था, डी नंबर वाला में रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट मींस आंसर वही होगा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी के बाद पांचवा का लास्ट है ई नंबर। ई नंबर वाले क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन है, x and y में रिलेशन है, x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है पांचवा का ई नंबर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है इस एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 की,
जो थ्योरी दी गई है उसको आप फुलफिल देखिए, उसमें ये क्वेश्चंस को देकर मैंने समझाया है कि रिफ्लेक्सिव को चेक कैसे करते हैं, सिमेट्रिक को कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं। बस यही कारण है कि हम उतनी टाइम को बचत करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं उसको, जो आप नीचे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर मेरी थ्योरी की लिंक मिलेगी, उस थ्योरी की लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप मेरी थ्योरी की वीडियो खुलेगी और इसमें ये सेम क्वेश्चन फादर की जगह पे मेरे ब्रदर भी लिखा हुआ है, फादर का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। तो आप चूंकि थ्योरी का वीडियो बहुत बढ़िया से देखिए तो ये सवाल हूबहू मिलेगी, तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम इतना ही सवाल को एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 बनाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 से, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी 12th की मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, पार्ट 2 में अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से ही दूसरे क्वेश्चन से चलेंगे। तो मेरे से बिल्कुल जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करते रहें, प्रेस कर चुके होंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो अगर नए हैं आप तो चूंकि मेरे से जुड़े जुड़े रहिएगा तो बिल्कुल सरल भाषा में हम लाने वाले हैं एनसीईआरटी का, ऐसे लगेगा जो चीज़ें बिल्कुल आसान है, जितनी आप माइंड पे प्रेशर रहती है कि कैसे चीज़ों को करेंगे तो उतनी हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप दिमाग से निकाल दो इस बात को, हम चूंकि आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरी जीमेल है vikashkumar@gmail.com, हम हमेशा बोलते हैं आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, टाइम्स की बचत हो जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी की लिंक दी जाएगी, दी हुई है, तो आप उनसे जाकर उस वीडियो को खोलकर आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 के सॉल्यूशन में। थैंक्स।